साइलेज की क्वालिटी बढ़िया सर, ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं है कश्मीरी में। स्मेल देखो एकदम बढ़िया ठंडा चार, जो कि हमारे पंजाब में होता है सर, देखो ठीक है ना, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग मोड़ के हिसाब से करते हैं जी, ठीक है ना। और बिल्कुल कॉर्न्स वाला ऐसा नहीं है, विदाउट कॉर्न्स है। एक गाय से इन्होंने पूरे फार्म की गायें तैयार कर ली, मतलब वो गायें 15 लैक्टेशन तक बच्चा दे चुकी है, और देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गायें इतने लंबे लैक्टेशन तक चल रही है। ये हल देख सकते हो आप, पुराना जो पंजाब का कल्चर है वो देखकर यहाँ पे ज्यादा कैम होगी। नहीं करना चाहिए ना, बोलने से क्या नहीं होता, पहले अंदर करना चाहिए, एक बार गलत हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम। कैसे कैसे तैयार किया, शुरू से प्रोसीजर बताओगे इसका, तैयार कैसे किया आपने, मक्का की कटाई किस मशीन से की? एक मिनट बोलता ना, मेरे सामने ये तुम्हारे सामने ये मशीन है, वही इसी से कटाई कर ली, उसी से कटाई किया। ठीक है, मतलब वो बड़ी मशीन से नहीं किया, क्या जरूरत इतनी, इतना बड़ा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए। जे आप पहले इंसान हो इंडिया में, थोड़ा सा माइक पास में कर ले, जिन्होंने जे ऐसे मशीन से तैयार किया, क्योंकि हम काफी कर्नाटका के फार्म में विजिट कर चुके हैं। ये मिनरल बेचर टाइम को हर दिन 50 से 70 ग्राम चाहिए हो, जी सर, 50 एक 70 ग्राम तक चाहिए हो। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कर्नाटका में, कर्नाटका के जो फार्मर भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में गगन भाई पंजाब से मंडी डबवाली से मौजूद हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। जो किसान भाई कर्नाटका में फार्म शुरू करना चाहते हैं, आज एक बड़ी स्पेशल चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पंजाब में भी कभी आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि काफ़ी भाई फार्म शुरू करना चाहते हैं, वो बहाने बना लेते हैं कि जी हमारे पास ये फीड अवेलेबल नहीं, साइलेज अवेलेबल नहीं है, या गाय की हम केयर नहीं कर पाएंगे, हमारे कर्नाटका में गाय उतना लंबा समय नहीं चलती। तो ये जो भाई साहब खड़े हैं गगन के पास, किसान भाई, इनके पास एक गाय ऐसी है, एक गाय से इन्होंने पूरे फार्म की गायें तैयार कर ली, मतलब वो गायें 15 लैक्टेशन तक बच्चा दे चुकी है, और देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गायें इतने लंबे लैक्टेशन तक चल रही है, और अभी भी देखोगे थर्ड में या फोर्थ में देखने में लगेगी, और उसकी आगे जो जनरेशन तैयार की है वो फार्म के अंदर जाकर सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। यही बातें हम हर वीडियो में करते हैं कि कब तक आप पंजाब में गायें खरीदने के लिए आओगे, खुद अपने फार्म पे ब्रीड तैयार करोगे तो आप कामयाब हो पाओगे। पंजाब में जाओगे 5-10 लाख की गायें एक बार खरीदी, दूसरी बार फिर 5 लाख की या 10 लाख की गायें खरीदी, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार तक खरीदोगे, जब कामयाब होना है तो अपने फार्म पे ब्रीड तैयार करो, सारा कुछ हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बातें बड़ी नॉलेज की, काम की बातें आएंगी। कर्नाटका में भाई साहब ने इधर साइलेज भी तैयार कर रखा है, वो भी सारा कुछ दिखाएंगे। और एक बार जो स्पेशल हमें देखकर बड़ी खुशी लगी, पुराना पंजाब हमें याद आ गया, जी गड्ढा देख सकते हो, हमारे पंजाब में इसे गड्ढा बोलते थे। हमारे दादाजी की बात करें तब ये हमारे उधर का रिवाज था, इसके आगे बैल लगाते हैं और खेतों में काम करते हैं। ये हल देख सकते हो आप, पुराना जो पंजाब का कल्चर है वो देखकर यहाँ पे ज़्यादा कैम होगी। हालांकि हम ये बातें सुनते हैं जहाँ ये फोटो देखते थे, ऐसी चीज़ों की हमारे देखने में तो नहीं आई, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ उससे पहले ये पंजाब से चीज़ें निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पे आकर देखकर बड़ा अच्छा लगा। स्पेशली भाई साहब को पूछा कि अभी ये बैल चलते हैं, उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे हर किसान के पास बैल हैं, गड्ढे हैं और खेती ऐसे ही करते हैं। तो अभी बात करते हैं जो मेन टॉपिक है डेयरी फार्म के ऊपर। गगन भाई नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, ठीक हो जी? हाँ, तो अभी निरुण भाई आपको दिखाते हैं फार्म इनका, कैसे इनकी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है ना, कैसे इनका मैनेजमेंट है, क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं जो ये करते हैं डेली की तरह, डेली रूटीन में गाय को डालते हैं। और बढ़िया बात लगी सर, इन्होंने सैलेज डाल रखा है सर अपना, आपको सैलेज भी दिखाते हैं निर्मल भाई, क्योंकि जो व्यवस्था इनसे हुई है इन्होंने प्रॉपर तरीके से की है। सबसे पहले किसान भाइयों, इधर इनका भाई साहब का फार्म देख सकते हो, ये फार्म है, गायें और भैंस रख रखी है, फार्म के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले जो सैलेज है, भाई साहब सैलेज दिखा दो, सैलेज तैयार कर रखा है। काफ़ी किसान कहते हैं कि कर्नाटका में सैलेज की दिक्कत आती है, पंजाब से गायें खरीदोगे तो उनको सैलेज डालोगे तो बड़ा बढ़िया दूध निकाल देगी। तो ये सैलेज इन्होंने यहाँ पे खुद का तैयार कर रखा है, बस क्वालिटी देखें सैलेज की कैसी है। गगन आगे चले जाओ भाई। जी जी सर। सैलेज उठा कर दिखाओ। जी सर। बड़ा अच्छा लगा कि सैलेज तैयार कर रखा है। जी सर। ऐसे कवर करके रखोगे हवा नहीं लगेगी। जी सर। तो सैलेज कभी खराब नहीं होगा।
तो अच्छा लगता है ऐसे कोई फार्मर तरक्की। देखो सर बहुत अच्छा लगता है सर, और मैं मेन बात करना चाहता हूँ किसान भाई, क्योंकि इनका जो है ना, इन्होंने एक गाय से 15 गाय का डेवलपमेंट किया है, क्योंकि रीजन क्या है सर, मेहनत के ऊपर। अभी ये साले ही देखो सर, और उठाना थोड़ा सा देखो, वो उधर से और पकड़ो ऊपर से ना, ये देखो सर। साइलेज की क्वालिटी बढ़िया सर, ऐसा नहीं कोई क्वालिटी नहीं है कश्मीर में। स्मेल देखो एकदम बढ़िया ठंडा चार, जो कि हमारे पंजाब में होता है सर, देखो ठीक है ना, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग मोड़ के हिसाब से करते हैं जी, ठीक है ना। और बिल्कुल कॉर्न्स वाला ऐसा नहीं है, विदाउट कॉर्न्स है, देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सर। मैं सल्यूट करता हूँ इस किसान भाई को जिन्होंने इतना अपने कह देते हैं अभी। भाई साहब से बात करना चाहेंगे, गगन माइक करना उधर को। जी सर, जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा ऊंची बोलना जी, अपना नाम? रमेश आनंद पाटिल। ठीक है, कर्नाटक का पहलगाम जी। कितनी गायें रख रखी आपने? हम पहले हमारे बाबूजी ने पहले हमारा वो लोग क्या बोलते हैं पूर्वजों का ही वो थोड़ा सा बिजनेस था। ठीक है, वो गाय पालने का, थोड़ा बैल करने का उनका वो सपना था, वो उनकी इच्छा थी। कष्ट क्या तो क्या भी मिलता है। वो हमने क्या किया, हम 3 भाई हैं, एक के लिए एक दुकान डाल के दिया है। मेरा बड़ा भाई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और मैं वो दोनों काम चलाते चलाते मैं फॉर्म हमारे अबू जी की तरफ से, बाबा जी की तरफ से क्या किया है, ये जो सैले आपने अपने खेतों से तैयार किया जा, वो हमारा इधर है जो यो सूखा चारा, वो ग्रीन चारा, वो सभी हमारे खेत से ही करते हैं। हमारे खेत में सभी करते हैं। आपने मतलब खुद तैयार किया जैसे वो खुद? तो आपके तो किसान कह रहे थे कि साइलेज तैयार नहीं होता, मुश्किल आती है। नहीं करना चाहिए ना, बोलने से क्या नहीं होता, पहले अंदर करना चाहिए। एक बार गलत हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैसे कैसे तैयार किया, शुरू से प्रोसीजर बताओगे इसका? उसका क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर उसका क्या भी नहीं है। हर मेरा हमारे कर्नाटक से, हमारे बेलगाम से भी, इधर का नजदीक का जो माहौल जो है उनके, एक मेरे भी रिक्वेस्ट है हर किसान भाई ने वो करना जरूरी है। तैयार कैसे किया आपने, मक्का की कटाई किस मशीन से की? एक मिनट बोलता ना, मेरे सामने ही तुम्हारे सामने मशीन है, वही इसी से कटाई कर ली? उसी से कटाई की। ठीक है, मतलब वो बड़ी मशीन से नहीं किया? क्या जरूरत नहीं, इतना बड़ा चाहिए, उतना बड़ा चाहिए। अब क्या ट्रैक्टर चाहिए क्या नहीं, हमें वो चकड़ी गाड़ी है ना हमारा, बैल से उधर से लाते है। एक गाड़ी के ऊपर एक बैग होता है, एक गाड़ी भर के लाए ना एक बैग तैयार होता है। कम से कम 10-1 टन तक उसमें रखता है। उसके करने की क्या ज़्यादा नहीं, एक दिन पहले कट करने का, वो सूखा थोड़ा क्या थोड़ा उसको पानी ऊपर ऐसा रहना चाहिए, वो थोड़ा उसका सा क्या बोलते हैं उसको धूप थोड़े ड्राई होना चाहिए। ड्राई होने के बाद सीधा मशीन में डालने का, उसका अभी बाजू में अपना ये पड़े। तो ऐसे कटाई कर रखी है ये बाजू में? ऐसा कटाई करके रखने का, ऐसा ही कटाई करके रखने का, और उसको क्या करने का थोड़ा ठीक है। कटाई करने के बाद वो ऐसा बैग थोड़ा सा प्रेशर डाल के भर देते हो? उसको मार्केट में मिलता है वो 700 रुपये तक एक बैग मिलता है, टन तक। उसमें क्या होता है मुर्गा तैयार होता है। और वो क्या करना है, वो किया कि नहीं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गूल, उतना ही थोड़ा सा उसमें डाला मैंने, उतना है, अरे उतना है, उसका वास अपने खुद की देखा है अभी। जी जी सर, 100% सक्सेसफुल है वो। जे सैल्यूट है जी आपको, आपने इस मशीन से तैयार किया। ये मशीन यूज करते हैं नॉर्मली थोड़ा बहुत हरा चारा काटने के लिए। जे आप पहले इंसान हो इंडिया में, थोड़ा सा माइक पास में कर ले, जिन्होंने जे इस मशीन से तैयार किया, क्योंकि हम काफी कर्नाटका के फार्म में विजिट कर चुके हैं। उनका किसानों का बहाना होता था, जे बात बना लेते थे कि हमारे वो बड़े वाली मशीन नहीं है तो साइलेज तैयार नहीं कर पाते। हो जाता है मतलब मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है सर। हम हमारे हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में एक हिसाब नीति में एक गोष्ठ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खानी बोलते हैं उसको, वो ससाव कासव के बोलते हैं मालूम है ना। हम धीमी गति से गया कि नहीं वो सक्सेसफुल होते हैं, और सस्ते की गति से गया तो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। मार्केट से लाने का वो करते हैं, ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए, करना चाहिए पहले अंदर, पहले क्या करना चाहिए, किया तो क्या भगवान साथ देते हैं। जी सर, तो अभी परमेश्वर बोलते हैं उसको मालूम है ना, करना वो हमारे पास उम्मीद चाहिए, करने की जिद चाहिए उसको, उसके सामने किया तो कुछ भी कम नहीं है, वो हो ही जाता है। अब क्या, अभी इतना मेरे पास 40 जानवर है, वो उसमें किया तो मार्केट से 2-3 भैया लगते हैं, ट्रैक्टर लगता है, बराबर है ना। ऐसा होता हमारे पास, तुम ही देखो उधर ट्रैक्टर है क्या, भैया लोग है, कौन है? देखो जी बैल का ही गड्ढा है आपके पास। बिल्कुल, अभी 250 लीटर दूध डेली है मेरा।
डेली का 250 डेली 250 क्या रुपए सेल हो जाता है लीटर का रेट? कम से कम 35, गाय का जो है तो 35 रुपए के ऊपर 40-42 रुपए तक पड़ता है। तो साइलेज के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, साइलेज एक गाय का जो 35-30 लीटर दूध दे रही है कितना डालते हो? 3 किलो डालते हैं सुबह और शाम को। शाम को 3 किलो, एक दिन का 6 किलो। कम से कम कैसा है उसका रूटीन कितना है मालूम है? एक एक गाय के लिए कम से कम 25 किलो तक, अभी 30-35 लीटर जो दूध देते हैं ना उसको 30-35 किलो तक क्या लगता है, चारा लगता है दिन का। ठीक है, उसमें क्या करने का, वो 5-6 किलो तक तो सूखा चारा रखने का, वो 3 किलो कम से कम, 3-3.5 किलो वो अपना नहीं आप फीड्स खाद्य क्या बोलते हैं उसको, वो डालना चाहिए। ऐसा 10-12 किलो एक बार हो, 10-12 किलो शाम को दो बार डाले तो काम खलास। तो मोटा मोटा सा बात करें, अगर कर्नाटका में कोई फार्म करना चाहता है सारा कुछ अवेलेबल है हाँ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत कौन सा भी काम कर, तो भाई आप पंजाब से आए बोलो ना हाँ। आप मेहनत करते हैं इसलिए तुम्हारा चैनल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर, घर हाँ। में बैठे तो मिलते क्या नहीं, चलेगा नहीं फिर हाँ। चले अभी हम दोनों जो नहीं बात करेंगे, तुम पंजाब से इधर तक आए ना, तुम खुद अभी क्या तो मेहनत कर रहे ना, इसीलिए तुम्हारा चलना चल रहा है। ऐसा है खेती करने पे कौन सा भी रहने दे, कष्ट करना चाहिए जी। अंदर आ जाओ थोड़ा सा, जे गाय हमें दिखा दो जो गाय आपके पास। एक मिनट सर, वो उधर हमारा फीड्स भी थोड़ा है देखो जरा। अच्छा, क्या मालूम है वो सिर्फ क्या फॉर्म में गाय लाने से दूध ये बढ़ता नहीं, उसको वो क्या बोलते हैं, वो कारखाना बोलते हैं उसको, उसका राव मटेरियल चाहिए, जितना राव मटेरियल हम उसमें डालते हैं उतना वो क्या मिलेगा, वो इनकम भी होगा जाएगा ना बराबर ना। अभी उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए मेंटेन, अभी नहीं तो क्या बोलने का, पंजाब से गाय लाया और उसका मेंटेनेंस रखे तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा हर खेती वाला ऐसा करता है। एक मिनट, वो उसका क्या है, वो मिनरल मिक्सचर ये देखो, ठीक है ये मिनरल मिक्सचर, टाइम को हर दिन 50-70 ग्राम चाहिए वो, एक हाँ 70 ग्राम तक चाहिए वो, 100 ग्राम भी कर दो फिर हाँ, भी आपको दिक्कत ये देखो है। फिर वो क्या है वो फीड्स, फीड्स देखो फीड का क्या नाम है जी, हाँ हिंदुस्तान वो मोती करके, हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो जो बेलगाम में फीड चलती है उसके बारे में हम बता रहे हैं हाँ। और ये देखो सरकी सर, ऐसा ये करना चाहिए सरकी, तो बड़ा अच्छा सिस्टम मेंटेन किया हुआ आपने ना हाँ। तभी गायें आपने इतनी हाँ। लंबे चला ले, वो अभी खुद ही बोल रहे थे हाँ। अभी हम बोल रहे हैं क्या ऐसा कि मैंने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन आप हर जगह ढूंढे बिल्कुल घूम रहे, आपको एहसास हो गया कि किधर अच्छा है। हमें जब आपकी गायें देखी तो मैं गगन को बता रहा था कि गगन ये गायें थर्ड या फोर्थ में होगी, जब हाँ। आपने बताया इतना लंबा चल गई और आपका साइलेज देख करके आपने कर्नाटका में साइलेज तैयार कर लिया, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी हमें गायें दिखाओ जो गायें इतना लंबा चल रही है, क्योंकि खुद की ब्रीड तैयार करेंगे तभी कामयाब होंगे। अभी किसान भाई देखो ये गाय दिखाते हैं, इनकी केयर के ऊपर बहुत अच्छा लगा, मैं सल्यूट करता हूँ सर को जो जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की जी। अभी ये गाय आप जो देख पा रहे हो जी, कोई किसी का अंदाज होगा ये फोर्थ लैक्टेशन में, मैक्सिमम बोलेंगे फिफ्थ लैक्टेशन में है, बट इसका लैक्टेशन है सर 15 जनरेशन हो गया इसकी, जो बछड़ी है ना एक गाय से बंदे ने 15 बछड़ी रेडी की है जी। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे बंदे को जो एक गाय से ले गए, गाय से स्टार्ट किया और 15-16 भी गाय उन्होंने एक ही जनरेशन से कर ली है जी। तो किसान भाई बाकी इनकी जुबान से भी सुनते हैं हमने कैसे केयर की, कैसे स्टार्टिंग की इन्होंने, क्योंकि ये एक उनके लिए कह देते हैं भी मोटिवेट वाली वीडियो है भी हाँ जी, जो बंदे करना चाहते हैं काम जिनके पास बजट लोअर होता है, एक दो गाय से स्टार्ट करना चाहते हैं। सर आप गाय अच्छी लो, केयर करो अच्छी, फिर आपका जनरेशन मिलती जाएगी सर, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। बीसी बंदे ने एक गाय से ले, एक गाय से स्टार्ट किया और 15 बछड़ी रेडी कर ली सर, तो ये सारी एक ही गाय की जनरेशन है जी, चेक करवा दो। बाकी सर से बात करते हैं तो सर थोड़ा अपनी जुबान में बताना जी, वो जो गाय है वो कितने लैक्टेशन में गाय है जी, वो कौन से लैक्टेशन में कितने ब्यात में है वो? वो अभी 15 है सर। और स्टार्टिंग आपने कितनी गाय से की थी जब आपने एक गाय रखी थी घर पे? पहले हमारे पास थोड़ा वो आपका देसी गाय थी एक दो, वो अभी उसमें क्या अभी करते करते वो बेच दिया हमने, उसमें ब्रीड तैयारी नहीं किया। ठीक है, ठीक है सर। अभी क्या पंजाब से हुआ, हमारे जो लोकल डॉक्टर रहते वो ब्रीड जो मार्केट से लाते वो उनके पास करके उसके पास अभी वो हो गया। वो ये देखो ये अभी वो 22 महीने के है, ठीक है, अभी 2 महीने उसको बच्चा दी को बच्चा दी दूध कितना, अभी 12 लीटर टाइम को देते डेली 24 लीटर दूध रेडी है जिसका, ठीक है ना। तो किसान भी मेहनत करो, ये एक जज्बा है सर, बहुत मैं सल्यूट करता हूँ सर आपको, आपने बहुत मेहनत की सर, एक गाय से आपने स्टार्टिंग की और 15-16 एनिमल आपने रेडी कर लिए कि गाय से, ये सर देखो विदाउट केयर नहीं होगा।
ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा किसान भाई। जो मन में जहन रहता है ना जी, हमारे पास बजट नहीं, हम 5 गाय नहीं ला सकते हैं या 10 गाय नहीं ला सकते हैं, सर आप स्टार्टअप करो, पहले काम पे आओ प्रॉपर, फिर आप आगे जाओगे। तो मैं दाद देता हूँ सर इनको जो इतना अच्छा काम किया। सर देखो मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने एक्सपीरियंस में जी, जिन्होंने ये चीज़ें मान के चलो मैंने नोटिस में किया, अभी एक गाय से 15 गाय स्टार्ट किया, तो बहुत बढ़िया लगा सर मिलके आपको। okay. बहुत बहुत सर, आप कभी भी आना पंजाब में सर, आपको हमारे साहब डेयरी फार्म से जो हेल्प मिलेगी हम मिले देंगे जी, और हम आपके लिए सर कोई अवार्ड भी पेश करेंगे जो हम आपको दे सके जी, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के लिए, और बहुत बहुत मेहनत करो सर, भगवान आपकी तरक्की करें और अच्छा इसको फार्म को बढ़ावा दे सर, ठीक है। और बाकी किसान भी भैंसे हैं इनके पास, भैंसे में इसके पास टॉप क्वालिटी की हैं, 20-20 लीटर दूध निकाल रही हैं जी भैंसे, ये 22 लीटर निकाल रही है, 22-22 लीटर तीनों भैंस। तो ये देखो मेहनत के ऊपर सारा कुछ है निर्मल भाई, देखो मेहनत करेगा ना बंदा तो कभी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपने मेहनत छोड़ दी ना जी, अगर आप इग्नोर करने लग गए, किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, तो आप नहीं है, ये बंदे हैं, ये खुद आपकी बीवी करती साथ आपके काम है ना, तो ये इनकी वाइफ और ये खुद काम करते हैं जी, और अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, सफाई देखो गाय की, केयर लगा लो, खाना पीकर बिल्कुल रेडी है, तो सारा कुछ केयर के ऊपर है किसान भाइयों। केयर करोगे, फोकस करोगे वर्क पे, तो आगे जाओगे, कभी पीछे नहीं जाओगे, मैं लिख के देता हूँ जी। और जुड़ना साहब डेयरी फार्म के साथ, जो आपको हेल्प चाहिए वो मिलेगी जी ऑलवेज, ठीक है ना। तो धन्यवाद किसान भाई इतना अच्छा प्यार देने के लिए, बहुत प्यार मिल रहा है कर्नाटका में सर, ये प्यार सर मैं कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ निर्मल भाई आपका, माला फार्म की टीम का, जो यहाँ तक लेके आए मेरे को, और इन किसान भाई का जो इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं, जो बुला रहे हैं अपने फार्म पे भी विजिट करो के गगन भाई, हमें थोड़ा बहुत जो चीज़ आपके ध्यान में है, जहाँ पे हमें कमी लग रही है, वो हमें आप अवेयर करो थोड़ा बहुत। तो शुक्रिया किसान भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजिट के लिए बुलाने के लिए, थैंक यू।